छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में दुनिया का सबसे छोटी प्रजाति का हिरण मिला है। इस हिरण का वजन 3 किलो है। हिरण घायल होकर शहरी इलाके में आ गया था। नागरिकों से सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने घायल हिरण को लेकर वन विभाग के अस्पताल आए, जहां उसका इलाज किया गया। हिरण के स्वास्थ्य में सुधार होने पर उसे फिर से दंतेवाड़ा के जंगल में छोड़ दिया गया। दंतेवाड़ा चारों तरफ से घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है। इस इलाके की बैलाडीला पहाड़ी इलाके में दुनिया का सबसे छोटे हिरण वन विभाग की टीम को मिला। इलाज के दौरान हिरण का वजन 3 किलो पाया गया। साथ ही ये बेहद दुर्लभ प्रजाति का वन्य जीव है, जो दंतेवाड़ा के जंगलों में होना पाया गया है। इस छोटे से हिरण के मिलने के बाद वन विभाग ने इस प्रजाति के हिरणों की जनसंख्या पता लगाने में और उनके संरक्षण करने के लिए एक योजना बनाने पर काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही इस छोटे से हिरण की तस्वीरें देश विदेश के मीडिया में आने से दुनिया को इस लुप्त प्रजाति के बारे में पता चल गया है। गौरतलब है कि दंतेवाड़ा के बचेली कस्बे के सुभाष नगर में रात के समय जंगल से भटकते हुए ये हिरण आ गया था। इसकी सूचना यहां के लोगों ने वन विभाग को दे दी। बचेली वन परिक्षेत्र अधिकारी आशुतोष मांडवा, अपनी टीम डिप्टी रेंजर अघन श्याम भगत, बीट ऑफिसर राजेश कर्मा सहित वन कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और घायल हिरण को कार्यालय लेकर आ गए। वन परिक्षेत्र अधिकारी आशुतोष मांडवा ने बताया कि सूचना अधिकारियों को दे दी गई। उनके परामर्श अनुसार रायपुर जंगल सफारी के पशु चिकित्सक से परामर्श लेकर बचेली के पशु चिकित्सक से इस जीव की जांच करवाई गई। हिरण थोड़ा घबराया हुआ और चोटिल था, इसलिए पशु चिकित्सक से उसका इलाज करवाने के बाद ठीक होने पर उसे फिर से उसके घने जंगलों में आजाद कर दिया गया। सर्प मित्र और पर्यावरण प्रेमी अमित मिश्रा ने बताया कि अत्यंत दुर्लभ प्रजाति का हिरण है, जिसका नाम इंडियन माउस डियर, इंडियन स्पॉटेड शेवरोटेन, जिसका वैज्ञानिक नाम मोसियोला इंडिका है। ये विश्व की सबसे छोटी हिरण की प्रजाति मानी जाती है। इसकी लंबाई 57.5 सेंटीमीटर होती है और वजन सिर्फ 3 किलो का होता है। ये रात में निकलने वाला जीव है, बहुत मुश्किल से ही देखने के लिए मिलता है। यहाँ तक कि कैमरा ट्रैप में भी आज तक इसकी कमी तस्वीरें कैद हो पाई हैं। जंगल में भी इसे देख पाना आसान नहीं होता है। इसके बैलाडीला में होने की जानकारी अब तक नहीं थी।